हरे कृष्णा दोस्तों, आज वैदिक स्कूल नहीं गया है। इसके पापा ऑफिस जा चुके हैं, लंच वगैरह उनका बना दिया था और वो आज अपने आप ही ऑफिस गए हैं। मेट्रो भी मैंने नहीं छोड़ा उनको। आज वैदिक ना स्कूल इसलिए नहीं गया, जैसे मैंने आपको रात को बताया था, इसको फीवर है तो इसको स्कूल हमने आज नहीं भेजा, क्योंकि इनके स्कूल में ना एसी है तो मुझे लगता है कि इसको ना बार बार फीवर होता है तो वो एसी की वजह से होता है, बिकॉज एसी में रहता है फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है तो इसकी वजह से इसको फीवर होता है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि इसको या तो एक ओवर जैकेट ऊपर से डाल के भेजूँ एसी में, बिकॉज घर में ज़्यादा एसी हम लोग यूज़ करते नहीं हैं तो फिर इस वजह से इसको जल्दी जल्दी फीवर होता है। इनके क्लासरूम में एसी है तो मुझे ही सर्दी लगती है, थोड़ी सी देर एसी में बैठ जाती हूँ तो उसके बाद, तो मुझे यही लगता है कि शायद वैदिक को उसके वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसकी मैम से बात करूंगी कल जाके, बिकॉज इसको मंथ में एक दो बार फीवर होता ही रहता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम जन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर् नमोस्तुते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम अज्ञान्ति निरंधसे ज्ञानानंजन शलाकया चक्षुरन मिलित। दोस्तों, जो लोग पूछते हैं कि जैसे कृष्ण जी हैं उनको तिलक कैसे करें, तो ये देखिए ये मैंने बना रखी है। तुलसी जी है उनकी जो डंडी होती है, मतलब जो उनका पत्तियां लगी होती है, सूखी डंडी होती है, उसको मैंने तोड़ा और उसके ऊपर मौली लपेट दी, जिससे कान्हा जी को जब हम तिलक करें तो ये चुभे नहीं उन्हें। तो पूरी मैंने इस तरीके से मौली लपेट दी है और यहाँ पर भी एक बस मोरपंख है वो उसको लपेट दिया है, चिपका दिया है, आप चाहे से चिपका सकते हैं इसमें। अब ये गोपी चंदन है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जल लिया है और जल इसमें डाला है। उसके बाद में अब हम लोग बस इससे कृष्ण जी को तिलक करेंगे। तो अगर आप तुलसी जी की डंडी से मतलब तिलक करते हैं कृष्ण जी को, तो ये बहुत ही शुभ होता है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है कि तुलसी जी उनके हर काम में यूज़ ली जाती है। तो अब मैंने यहाँ पर तिलक कर दिया है बांके बिहारी जी को और यहाँ पर हमारे लाला जी को तिलक कर चुकी हूँ। और जब आपको तिलक करना होता है तो आप खुद जो भगवान जी का जल होता है जिससे वो नहाए होते हैं, या फिर पुराना जल जो होता है, उससे मैंने ये अपने सिर पे इस तरीके से लगाया। ये गौड़ीय वैष्णव तिलक होता है। और गले पे भी, जहाँ पर आप तुलसी धारण करते हैं। तो ये मेरा तिलक हो गया है और लड्डू गोपाल जी का भी हो गया है। अब उसके बाद में मैं उनको जो मिरर है वो दिखाती हूँ। इतने सारे कपड़े हो गए हैं ना, अब इन सारे कपड़ों की तह लगानी बहुत मुश्किल होती है। मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम यही लगता है, क्योंकि कपड़े वॉश करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता जितना मुझे उनको समेट के वापस से अलमारी में रखना होता है। और मैं ना ऐसे मतलब गंदी तरीके से फ़ोल्ड नहीं करती हूँ कभी भी कपड़े, प्रॉपर फोल्डिंग मुझे चाहिए होती है कपड़ों की, तभी मैं उनको अलमारी में रखती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी उन्हें अलमारी में नहीं रखती हूँ। और जब मुझे लगता है कि हाँ जी कुछ कपड़े प्रेस करने वाले हैं तो उनका सेक्शन अलग बनाती हूँ, हस्बैंड के कपड़ों का सेक्शन जो है वो अलग बनाती हूँ। ये देखिए कितने सारे कपड़े तो प्रेस के हो गए हैं, तो इनको प्रेस भी करनी पड़ेगी। वॉश करना इजी है एक्चुअली, मैं क्या होता है कपड़े झाड़ के सुखाती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर वगैरह आई हुई थी और मेरे हस्बैंड है ना, वो ऐसे ही कपड़े डाल देते हैं, तो फिर उनको जब लेके आओ ना तो वो ऐसा बना हुआ होता है कि उनको प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, उनको इतना अच्छे से झाड़ के सुखा देती हूँ ना, तो मुझे उनको प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है दोबारा। तो मैं हमेशा मतलब इन चीज़ों के बारे में ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हूँ। और आज वैदिक को क्या है थोड़ा फीवर भी है ना, तो मुझे ज़्यादा काम तो करने दे नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरा जो वर्क है वो करूँ।
क्योंकि वैदिक ना अब क्या है थोड़ा सा जैसे क्रैंकी नहीं हो जाते बच्चे बहुत ज़्यादा, जब उनको फीवर वगैरह कुछ होता है तो कुछ काम नहीं करने दे रहा, उस तरीके से आज हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ आज उसको सुला दूँ, क्योंकि उसने रात को क्या हुआ था बिस्तर में ना सुसू भी कर दिया था बिकॉज़ उसको फीवर था। वैसे वो कभी भी मतलब सुसू नहीं करता है बिस्तर में, लेकिन उसने कर दिया था। तो मुझे बेड कवर, जो मैट्रेस प्रोटेक्टर होता है, वो सभी कुछ वॉश करना पड़ा उसके वजह से, तो आज वो भी वॉश करने हैं। तो मेरे पास ना मतलब बहुत काम है। अब सोच रही हूँ उसको सुला दूँ, खाना वगैरह भी नहीं खा रहा ठीक से वो आज, तो अगर वो खा लेता है कुछ थोड़ा बहुत तो फिर उसके बाद में मैं अपना सारा वर्क करूँगी। बनाई है वैदिक के लिए, जो आपने देखी होगी मसूर की दाल होती है बिना छिलके वाली, और साथ में बन रही है उसकी मल्टीग्रेन रोटी। तो मैंने, क्योंकि वो और कुछ खाता नहीं है, तो मैं इसी तरीके से उसको खिलाने का ट्राई करती हूँ। दोस्तों अब हमारा सोने का टाइम हो गया है और वैदिक को मिल्क दे रही हूँ, वैदिक मिल्क पी रहा है। और बस आज ना वैदिक का जो मॉर्निंग में फ़ीवर था अब थोड़ा कम है, अब इसको फीवर नहीं है, 98 पे आ चुका है, तो अभी तो ठीक है। तो कल इसको मॉर्निंग में देखती हूँ, स्कूल भेजूँगी अगर ठीक रहा तो। और अब बस सोने की तैयारी है, और आज बारिश का मौसम हो रहा है, अगर मुझे लग रहा है शायद बारिश बहुत ज़्यादा तेज आएगी। और देखिए मैंने सारे कपड़े फिर से अंदर डाल दिए हैं, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी तो मेरी सारी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने सारे कपड़े अंदर लेके आ गई हूँ। और बस अब हम लोग सोएंगे, 9:30 हो गए हैं, हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं, 10 बजे तक आते हैं, तो उनके आने के बाद में बस वो तो आएंगे और खाना खाएंगे अपना। वैदिक इतना साउंड करके तो नहीं पीते तो हम अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तो हरे कृष्णा राधे राधे। वैदिक बोलो, आप भी दोस्तों को बोलो राधे राधे। बोलो मैं भी सोने के लिए जा रहा हूँ मम्मा जान। तो अब हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं, आपको मिलते हैं हमारे नए व्लॉग में। हरे कृष्णा राधे राधे।